दोस्तों वैदिक गणित के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें 46 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने देखा कि हमारा पहला डिजिट 4 है और 4 का स्क्वायर होता है 16। हमारा दूसरा नंबर 6 है और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हम 16 और 36 को साथ में मिलाकर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 4, 6 और यह जो नंबर लिखा हुआ है 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 6 इंटू 2 आएगा 48। हम इस 48 को 1636 की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है, कुछ इस तरीके से। अब हम इन सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2116 और यही होता है 46 का स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 79 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर होता है 49 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हमें 7, 9 और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 इंटू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 126। इस 126 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 6241 और ये 6241 होता है 79 का स्क्वायर। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम 9 को यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि 9 एक 2 डिजिट नंबर नहीं है, पर यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर ही आएगा। इसके लिए हमें 9 के आगे एक 0 लगा देना है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, पर 4 भी एक 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसके आगे भी हम एक 0 लगा कर लिख देंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका जो आंसर आएगा 12, इसे हम यहाँ पर लिख कर इन्हें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1024 और यही होता है 32 का स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आप सॉल्व कर पाए तो आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।